निश्चित रूप से सीमांचल इलाकों में मैंने विगत 2 महीना पहले भी कहा था, 1 महीना पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, सीमांचल इलाकों में बाहरी घुसपैठ धीरे धीरे बना रहा है। बनाने का कारण वो लोग बाहर से आकर के आतंकवादी यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से, चाहे वो किसी मजहब किसी कौम के लोग हों, उनके सहयोग लेकर के वहाँ पर जमीन खरीदना, आशियाना बनाना, अपना वहाँ पर कारोबार शुरू करना और अपना चेहरा का लुकआउट बदलना, नाम आईडी फेक आईडी बनाना, ये सब बहुत दिनों से चला आ रहा है। और निश्चित रूप से यह देश की सुरक्षा की बात है, राज्य की सुरक्षा की बात है, दल से ऊपर उठ के हम सबों को बात करना चाहिए, जिसमें मैंने भी कहा है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने यह स्पष्ट आदेश डीएमओ को भी दिया है कि इसकी जांच हो, इसका रिपोर्ट हो, और किशनगंज के डीएम ने 2 का जिक्र भी किया था, और वैसे अगल बगल के और भी जिलों में इसका रिपोर्ट देना है, और निश्चित रूप से एनजीओ के माध्यम से भी इसकी जांच हो, कोर्ट ने ऐसा संज्ञान लिया है। बहुत इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ कि अपने बिहार के जनताओं के प्रति, सुरक्षाओं के प्रति, सजगता के प्रति संज्ञान लिया गया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से आए दिन किशनगंज ही नहीं, वह किशनगंज हो, मधुबनी का मामला हो, दरभंगा का मामला हो, जाले का मामला हो, मुजफ्फरपुर का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, अनेक जगहों पर इनका रैकेट चल रहा है। और क्यों, सांच में आँच किस बात का? अपने तमाम आम जनता को, दलितों को, गरीबों को, मुस्लिमों को, ये मजहब वाले लोग जो सिखाते हैं कि या भाई आपको बाहर निकालिए, एनआरसी और सीसीए तमाम चीज़ जो लागू हो रहा है उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि जांच के दरमियान में ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, कड़ी सजा मिलेगी उनको, सरकार का जो प्रावधान है, निश्चित रूप से बिहार की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, सक्षम है और हर लाइन पे काम करने के लिए तत्पर रहती है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो पकड़ाए हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे बिहार सरकार के मुखिया और भारत सरकार के मुखिया और विभाग के लोग इस पर सक्षम काम कर रहे हैं, आगे भी आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपने एक अलर्ट किया था 3 महीने पहले, अलर्ट किया था, उसका परिणति सामने आया है, कितना बड़ा बात है। अगर बात मैं आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि राजस्व में भूमि सुधार मंत्री होने के नाते मैं प्रमंडलीय बैठक दौरा में जाता हूं, जिला के दौरा में जाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं और पेपर भी देखता हूं, हकीकत कहानी भी सुनता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि झंझट का जड़ जमीन है, 60% इसमें समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि जब तक हम जमीन के अंदर सारे प्रॉब्लम को शट आउट नहीं करेंगे तो हमारा केसेस कम नहीं होगा, समस्याएं कम नहीं होंगी। और आने वाला दिन और तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जमीन कीमती हो चुका है, जमीन अब धरती बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हो रहा है, दूसरा नंबर कि धरती कहीं लमरने का चीज़ तो है नहीं, रबर है कि नहीं, इसको लमरा देंगे, धरती तो घटते ही जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों का निगाह धरती पर है, जमीन पर है, क्योंकि आशियाना कहाँ खड़ा करेंगे? दिन भर 24 घंटा वो हवाई जहाज में उड़ेंगे, लेकिन उनको जमीन पर ही उतरना है। चिड़िया उड़े आकाश, करे धरती का आस। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी पूंजी जमीन है, धरती है, और उसका सुरक्षा रक्षा विभाग का भी काम है, सरकार का भी काम है। लेकिन आम जनता से भी मैं बार बार अपील करता हूँ कि आप लोग भी जमीन की रक्षा सुरक्षा करें, कहीं भी कोई जानकारी हो तो मुझे आप दें, उस पर संज्ञान सरकार लेगी और कार्रवाई भी करेगी। आपने जब यह बयान दिया था जिस इस तरह का कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के जमीन खरीद रहे हैं, फेक आईडी बना रहे हैं, तो आपकी खिल्ली उड़ाई गई थी, आपके विरुद्ध बयानबाजी से सीरीज शुरू हो गया था, लेकिन इस पुष्टि के बाद तो उनके मुंह तो बंद हो जाएंगे। अब निश्चित रूप से मुंह किसी का बंद नहीं होता, सोच अपना अपना होता है, तरीका अपना अपना होता है। तो जो लोग बयान बहादुर लोग हैं, बयान तो देंगे ही, इस पर भी अपना कुछ तैयारी करके रखे होंगे। तो मैं कुछ किसी पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और अपने आप टीवी के माध्यम से उनका बयान, मेरा बयान, या सरकार का बयान, या कोर्ट का बयान, सभी को लगा करके जनता को बताइए, और जनता सजग रहे। सबसे बड़ा प्रहरी जनता है, उसके बाद सरकार की व्यवस्था है। तो जनता, मैं आग्रह करूंगा, सीमांचल इलाकों में ऐसे कितने घुसपैठी हैं, ऐसे कितने बाहरी लोग हैं जो सगे संबंधी के नाम पर, फर्जी आईडी के नाम पर है, तो अपने जिला को सूचना दें, अपने निकटतमवर्ती मित्रों को दें, सरकार को दें, संगठन के लोगों को दें, जिससे कि हम लोग उसका जांच करा के उनको यहाँ से बाहर निकालें और कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें।